ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जामुन का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। भगवान ने हर मौसम के सब्जी और फल ऐसे ही नहीं बनाए हैं। अब जाने बरसात में जामुन होता है और हमें इसकी जरूरत भी तभी पड़ती है। प्राचीन भारतीय महाद्वीप को पहले जम्बूद्वीप कहा जाता था क्योंकि यहां जामुन के पेड़ अधिक पाए जाते थे। जामुन का पेड़ पहले हर भारतीय के घर आंगन में होता था, तो अब तो आंगन ही नहीं रहे। आजकल बेरीज मतलब जामुन और बेर के पेड़ को देखना दुर्लभ होता चला जा रहा है। जामुन सामान्यतः अप्रैल से जुलाई मई तक सर्वत्र उपलब्ध रहते हैं। इसका न केवल फल, इसके वृक्ष की छाल, पत्ते और जामुन की गुठली अपने औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व रखते हैं। यह शीतल, एंटीबायोटिक, रुचिकर, पाचक, पित्त, कफ और रक्त विकार नाशक भी है। इसमें आयरन, आयरन मतलब लौह तत्व, विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में होने से यह हृदय रोग, लीवर, अल्सर, मधुमेह, वीर्य दोष, खांसी, कफ, दमा, रक्त विकार, वमन, पीलिया, कब्ज, उदर रोग, पित्त, वायु विकार, अतिसार, दांत और मसूड़ों के रोगों में विशेष लाभकारी है। बी समूह के विटामिन नर्वस सिस्टम के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। वहीं विटामिन सी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जो हमें जामुन से प्राप्त हो जाता है। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि जामुन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में मिलने वाली शुगर शरीर को हाइड्रेट करने के साथ ही कूल और रिफ्रेश करती है। यह फल पेट के रोगों के लिए लाभप्रद माना गया है। सेंधा नमक के साथ इसका सेवन भूख बढ़ाता है और डाइजेशन प्रोसेस जो पाचन क्रिया है हमारी, पाचन क्रिया को तेज करता है। बरसात के दिनों में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे पाचन संस्थान है, वो कमजोर पड़ जाती है। कारण हमारा मानना यह है कि बरसात यानी बस तली चीजें, खाना, कचौड़ी, पकौड़े, समोसे इत्यादि, जिसके कारण डायबिटीज वालों का शुगर और बढ़ जाता है तथा पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है। यहां पर आयुर्वेद के अनुसार जामुन की गुठली का चूर्ण डायबिटीज में हितकर माना गया है। जामुन ही नहीं, जामुन के पत्ते खाने से भी मधुमेह रोगियों को लाभ मिलता है। यहां तक कि इसकी गुठली का चूर्ण बनाकर खाने से भी डायबिटीज में लाभ होता है। यही नहीं, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, मजबूत बनाता है और पाचन शक्ति को मजबूत करता है। इसलिए अगर आप इस मौसम में मौसम की मार से बचना चाहते हैं तो रोज जामुन खाइए। जामुन के मौसम में जामुन आपको अवश्य खानी चाहिए। देखिए प्रकृति ने कितनी सोची समझी चीजें बनाई है, डाइजेशन के लिए बनाया है। अभी जब बरसात का मौसम होता है तो उस वक्त सूर्य उगता नहीं है, तो जब सूर्य नहीं उगता है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो कुदरत ने जामुन को उसी वक्त में बनाया है। इसमें आयरन, विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में होने से हृदय रोग, लीवर, अल्सर, मधुमेह, वीर्य दोष, खांसी, कफ, रक्त विकार, वमन, पीलिया, कब्ज, उदर रोग, पीत, वायु विकार, अतिसार, दांत और मसूड़े के रोग में विशेष लाभकारी है। जामुन खाने के तत्काल बाद दूध नहीं पीना चाहिए। पका जामुन खाने से पथरी रोग में भी आराम मिलता है। पेट भरकर नित्य जामुन खाएं तो इससे यकृत के रोग में लाभ मिलेगा। मौसम जाने के बाद इसकी गुठली को सुखाकर पीस कर रख लें। इसका पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो वही फल वाला फायदा होगा। अभी जामुन के औषधीय गुण जो है वो पथरी में काफी कामयाब है। आप जामुन का पका हुआ फल पथरी के रोगियों के लिए एक अच्छी रोग निवारक दवा है। यदि पथरी बन भी गई है तो इसकी गुठली के चूर्ण का प्रयोग दही के साथ करने से लाभ मिलता है। जामुन में फाइटोकेमिकल्स भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपको अगर कमजोरी महसूस होती है या आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो जामुन का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आप अपने चेहरे पर रौनक लाना चाहती हैं तो जामुन के गुदे का पेस्ट बनाकर इसे गाय के दूध में मिलाकर लगाने से निखार आता है।
फिर जामुन का लगातार सेवन करने से लीवर की क्रिया में काफी सुधार होता है। ये फिर कब्ज और उदर रोग में जामुन का सिरका का उपयोग कर सकते हैं। मुंह में छाले होने पर जामुन का रस लगाइए, वमन होने पर जामुन का रस का सेवन कीजिए। भूख न लगती हो तो कुछ दिन तक भूखे पेट जामुन का सेवन कीजिए। एक्ने जो मुहासे होते हैं, मुहासे के लिए जामुन के गुठलियों को सुखा कर पीस लीजिए। इस पाउडर में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर मुहासे पर रात को लगाइए। सुबह ठंडे पानी से मुंह धो लें, कुछ ही दिनों में मुहासे मिट जाएंगे। मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन अत्यधिक गुणकारी फल है। मधुमेह के रोगियों को नित्य जामुन खाना चाहिए। जामुन के गुठलियों को सुखाकर पीस लीजिए। इस पाउडर को फांटने से मधुमेह में लाभ होता है। इसमें कैरोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और सोडियम भी पाया जाता है। इसी वजह से यह शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन रखता है। दस्त लगने पर जामुन के रस में सेंधा नमक मिलाकर इसका शरबत बनाकर पीजिए। इसमें दस्त बांधने की विशेष शक्ति होती है, खूनी दस्त तक बंद हो जाते हैं। 20 ग्राम जामुन की गुठली पानी में पीसकर आधा कप पानी में घोलकर सुबह शाम दो बार पिलाने से इसमें जो खूनी दस्त है वो तक ठीक हो जाता है। फिर मंदाग्नी, जिसको एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी से बचने के लिए जामुन को काला नमक तथा भुने हुए जीरे के चूर्ण को लगाकर खाना चाहिए। जामुन के वृक्ष की जो छाल होती है, तो जामुन के वृक्ष की छाल को घिसकर कम से कम दिन में 3 बार पानी के साथ मिलाकर पीने से अपच दूर हो जाता है। जामुन के वृक्ष की छाल को घिसकर एवं पानी के साथ मिश्रित कर प्रतिदिन सेवन करने से रक्त साफ होता है। जामुन के वृक्ष की छाल को पीसकर एवं बकरी के दूध के साथ मिलाकर देने से डायरिया, दस्त का भयंकर रूप जो है, देने से डायरिया के रोगी को तुरंत आराम मिलता है। पेचिस में जामुन के गुठली के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार लेने से काफी लाभ होता है। अच्छी आवाज बरकरार रखने के लिए जामुन के गुठली के काढ़े से कुल्ला कीजिए। देखिए आपकी आवाज कैसा कमाल की होती है। जामुन की गुठली का चूर्ण आधा आधा चम्मच 2 बार पानी के साथ लगातार कुछ दिनों तक देने से बच्चों द्वारा बिस्तर गीला करने की आदत छूट जाती है। जामुन की पत्ती में मौजूद माइरुलिन नाम के यौगिक को खून में शुगर का स्तर घटाने में कारगर पाया गया है। विशेषज्ञ ब्लड शुगर बढ़ने पर सुबह जामुन की 4 से 5 पत्तियां पीसकर पीने की सलाह देते हैं। शुगर काबू में आ जाए तो इसका सेवन बंद कर दीजिए। यथासंभव भोजन के बाद जामुन का उपयोग करें और जामुन खाने के 1 घंटे बाद तक दूध नहीं पीना है। जामुन पत्तों की भस्म को मंजन के रूप में उपयोग करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। जामुन का सिरका बनाकर बराबर मात्रा में पानी मिलाकर सेवन करने से यह न केवल भूख बढ़ाता है बल्कि कब्ज की शिकायत को भी दूर करता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि खाली पेट जामुन का सेवन नहीं करना है, ना ही कभी जामुन खाने के बाद दूध का सेवन करें। साथ ही अधिक मात्रा में भी जामुन खाने से बचें, अधिक खाने पर यह नुकसान भी करता है। जामुन का सिरका उपयोग करें। जामुन का सिरका गुणकारी और स्वादिष्ट होता है। इसे घर पर ही बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है और कई दिन तक उपयोग में भी लाया जा सकता है। सिरका बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूं। काले पके हुए जामुन साफ धोकर पोंछ लें और फिर इन्हें मिट्टी के बर्तन में नमक मिलाकर मुंह साफ कपड़े से बांधकर धूप में रख दीजिए। 1 सप्ताह धूप में रखने के पश्चात इसको साफ कपड़े से छानकर रस को कांच की बोतल में भरकर रख लीजिए। सिरका तैयार है। मूली, प्याज, गाजर, सलगम, मिर्च आदि के टुकड़े भी सिरके में डालकर इसका उपयोग सलाद की तरह आसानी से किया जा सकता है। जामुन साफ धोकर उपयोग में लें कभी भी। तो धन्यवाद, ये मैंने आपको जामुन के इतने सारे गुण बताए हैं। अब मैं आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमसे जो आप ज्ञान प्राप्त किए हैं वो ज्ञान दूसरों तक पहुंच जाए। अगर आप किसी चीज के फरमाइश चाहते हैं, कोई चीज की जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे।
आपको अगर अच्छा लगे तो बेशक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।